अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेलिंग, और मेलिंग के अंदर जो है हम इन्वॉल्व्स स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं मेलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेलिंग में नाम से जाहिर है कि यहाँ पे हम मेलिंग करेंगे, यानी मेल भेजेंगे। जितने भी हैं अलग अलग तरीके से हम मेल भेजेंगे और स्टिकर्स बनाएंगे, इसी में जो है हम लेटर्स बनाएंगे। तो ये जितना भी काम है वो सारा मेलिंग का, यहाँ पे इस मेलिंग के अंदर ये इस टूल में काम करेंगे हम। अब यहाँ से जो है इन्वॉल्व्स पे देखते हैं इन्वॉल्व्स का काम क्या है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मैंने क्लिक किया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे लिख रहा है कि डिलीवरी एड्रेस, यानी आप जो लेटर दे रहे हो या लेटर बना रहे हो इसका डिलीवरी एड्रेस। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये बनाया हुआ था, इसलिए जो है यहाँ पे रिटर्निंग एड्रेस ऐड है। अब डिलीवरी एड्रेस यानी यहाँ पे आप डिलीवरी एड्रेस लिखें, और यहाँ पे जो है आपने रिटर्न एड्रेस लिखना है, यानी जब चीज़ जो है वापस आ जाए, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे आगे जो है वो रिसीव ना कर पाए, तो तब जो है हमारे यहाँ पे रिटर्निंग एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाउस नंबर, या हाउस नंबर 0 से उसमें यहाँ पे 122 है नीचे, तो मैं यहाँ से 190 कर देता हूँ, और स्ट्रीट जो है यहाँ पे 20 कर देता हूँ, ब्लॉक जो है ब्लॉक 4A के बजाय यहाँ पे ब्लॉक W11122 है, और इसके साथ जो है मैं यहाँ पे कॉलोनी का नाम लिख रहा हूँ, कॉलोनी का या उस एरिया का, यहाँ पे मैंने लिखा है कराची। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा है डिलीवरी एड्रेस, और यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, पहले से नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने खुद ही लिखा था इस पर पहले। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि ये रिटर्निंग एड्रेस है और ये डिलीवरी एड्रेस है। ओके करते हैं, ऐड किया है। अब आप देख सकते हैं कि लेटर बन गया है। यहाँ पे जो है इसमें जो रिटर्निंग एड्रेस यहाँ पे ऐड होता है, और जो हमारा डिलीवरी एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड होता है, और यहाँ भी जो है वो टिकट का उस पर उसमें ठप्पा लगता है, यानी टिकट जो है टिकट का मोर यहाँ पे लगता है इस एरिया में। ये हो गया हमारे पास इन्वॉल्व्स का, यानी हम उसमें भेज रहे हैं रिटर्निंग एड्रेस और हमारा डिलीवरी एड्रेस। अगर आप चाहें तो इसका जो ये रिटर्निंग एड्रेस है वो उसमें मिटा सकते हैं, यानी अगर आपको ज़रूरत नहीं हो तो आप इस पे क्लिक करके, जैसे आपने चेंज पे क्लिक किया है आप देख सकते हैं कि ये रिटर्निंग एड्रेस हट गया है। तो ये था हमारे पास इन्वॉल्व्स का, इस तरह जो है आप रिटर्निंग एड्रेस और जो है डिलीवरी एड्रेस जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं।